नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एज पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में निकली जो नई भर्ती है उसके बारे में। तो ये देखिए, जब हम एचकेआरएन की वेबसाइट पर आते हैं तो यू आप ऊपर देख सकते हो, एचकेआरएन की वेबसाइट आप यहाँ से नोट कर सकते हो, hkrnl.itihariana.gov.in। ठीक है, यहाँ पर जब हम जॉब एडवर्टाइजमेंट चेक करते हैं तो उसमें हमें आज तीन भर्तियों के बारे में पता चल रहा है। एक है मल्टी टास्किंग ऑफिसर्स वर्कर्स, जिसमें एनालिटिकल एसोसिएट्स की जो वर्क है वो करना होगा, और उसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, एनालिसिस ऑफ सोइल सैंपल्स टू हेल्प इन सैम्पलिंग, ये वर्क रहेगा। एनी जो मतलब एनी अदर वर्क असाइंड बाय द हायर अथॉरिटीज, कैंडिडेट शुड बी मैट्रिक इन सेकेंड डिवीजन विद साइंस, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो इसके वेजेज है वो एज पर निगम वेजेज रहेंगे, सैलरी वगैरह 25 तारीख से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और 4 अप्रैल तक, 25 मार्च से 4 अप्रैल तक आप इन फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड देखिए मल्टी टास्किंग कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन हैंडलिंग ऑफ ASICP इंस्ट्रूमेंट्स सोयल सैम्पलिंग एनालाइजिंग एक्सेट्रा, क्वालिफिकेशन BSc किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए भी जो सैलरी और डेट ऑफ फॉर्म्स अप्लाई करने की सेम रहेगी। ठीक है, मल्टीटास्किंग फील्ड वर्कर्स के लिए देखिए जो थर्ड है उसमें लिफ्टमैन की वैकेंसी निकली हुई है, लिफ्टमैन के लिए आपको 5वीं पास होने चाहिए आप, और उसके लिए आप फॉर्म करने के अप्लाई जो डेट वगैरह है वो सेम है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को तीनों भर्ती के बारे में पता लग गया, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक ये फॉर्म भरने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।